मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेहान खान, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज। इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई आर एच विटेकर इन 1969। आर एच विटेकर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम्स में डिवाइड कर दिया ताकि उनको हम स्टडी अच्छे तरीके से कर सकें और इजी वे में कर सकें। तो उन्होंने पांच किंगडम में किया। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, तीसरा प्लांटी एंड चौथा एनिमिलिया। फर्स्ट में क्या था? मोनेरा। मोनेरा में उन्होंने वो एनिमल्स रखे जो प्रोकैरियोट थे और यूनिसेलुलर थे। जितने भी प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं हमारी अर्थ पे, वो किस किंगडम में आएंगे? वो मोनेरा किंगडम के होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोट एनिमल दिख रहा है तो आपको क्या पता चल जाएगा किस किंगडम से आ रहा है? ये मोनेरा किंगडम से आ रहा है। इससे एक आसानी हो गई, एक तरीका आपको पता चल गया कि यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है तो किस किंगडम में आएगा? मोनेरा में। एग्जांपल देख लेते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज। अगर बैक्टीरिया किस किंगडम से आ रही है? वो मोनेरा से। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कैसे होंगे? अब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आई टोल्ड यू इन फर्स्ट चैप्टर इन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मींस न्यूक्लियस इज अब्सेंट एंड यूकैरियोट मींस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो प्रोटिस्टा में क्या होगा? यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होंगे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो उनमें क्या आएगा? एल्गी आएगी, प्रोटोजोआ आएगा और यूरिना आएगा। तो जो ये ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट होंगे और यूनिसेलुलर होंगे, और एल्गी, प्रोटोजोआ, यूरिना किस किंगडम में आएंगे? प्रोटिस्टा में। अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, मीन्स खाने का तरीका, तो कुछ होंगे हेटरोट्रॉप्स और कुछ होंगे ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स। फूड के लिए जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉप्स, और ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद अपने आप से बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड नंबर थर्ड फंगी। फंगी क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये कैसे होती हैं? हेटरोट्रॉपिक। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो अपना खाना कौन बनाते हैं? जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना खाना ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होती है, तो इसी वजह से ये कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एंड नंबर फोर प्लांटी। प्लांटी मीन्स प्लांट। जितने भी प्लांट्स हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं और क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। क्योंकि प्लांट में क्या होती है? प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। सभी ने पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस, फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ में सबने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होती है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो? ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। एंड नंबर लास्ट फिफ्थ किंगडम एनिमिलिया। मल्टीसेलुलर होंगे, हम लोग एनिमिलिया में आएंगे। ये कैसे सब होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे एंड हेटरोट्रॉफिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और जितने भी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट एनिमल्स आते हैं किसमें सब आएंगे? एनिमिलिया में। एंड दीज आर टू टर्म्स, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट? इनवर्टिब्रेट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव बैक बोन। जिनकी बैक बोन नहीं होती है, कुछ देखिए तो बहुत छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं उनकी ये बैक बोन नहीं होती है, उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? इनवर्टिब्रेट में। और जो जिनकी बैक बोन होती है उनको कहते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी
please ask me in comment section. Thank you very much.